बिजनेसेस जो ऑनलाइन नहीं होंगे ना वो बिजनेस नहीं होंगे। आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है क्योंकि बन रहा है। इंटरनेट इज गिविंग मनी टू दीज पीपल एंड दे आर ग्रोइंग एंड इट्स बीन चेंज। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों है? हम क्यों है थर्ड वर्ल्ड कंट्री? इसी वजह से कि हमने सबसे एंड पे खेलना है। दुनिया जिसको कर चुकी है आगे मूव कर चुकी है, हम आखिरी होंगे जो किसी तरफ हम मूव करेंगे। वी विल बी द लास्ट। कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है? आप सारे कहाँ हैं? हर बंदा कहाँ है? तो इधर जाए ना, इधर क्यों नहीं जा रहे? इधर जाए ना, वो उसका ध्यान इधर है, उसको इधर से पकड़ लें। जो बिजनेस होता है ना वो होता है नंबर्स में, वो अजम्पशंस में नहीं चलता। अगर आपको ये बात पता हो कि आपके आने वाले मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल इतनी सेल्स फॉरकास्टेड हैं आपकी, और ये नंबर्स आपको इंटरनेट अगर बता रहा है आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के थ्रू या डिफरेंट तरीके से, तो आप इतनी अच्छी गेम खेल सकते हैं बिजनेस की। जिसके पास सेल्स का फोरकास्ट होता है ना वो मार्केट किंग होता है। उसके डिसीजंस ना बड़े सॉलिड होते हैं एक्सपेंशन की तरफ। वो कमिटमेंट बहुत खूबसूरत बिल्ड करता है, उसकी ग्रोथ बहुत कंप्लीट होती है। व्हाट आई वांट डजंट मैटर, इफ माय यूजर वांट समथिंग दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। 10 सालों में दुनिया के अंदर कौन से बिजनेस मॉडल्स थे जो कामयाब हुए? दुनिया में आईटी के बिजनेस मॉडल कामयाब हो रहे हैं पिछले 10 साल से, बाकी तो सारे सफर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस मॉडल्स वो चले रिकरिंग थे। ऐसी कौन सी आइटम है जो मैं अपने यूजर को हर महीने दे सकता हूँ, मेरे पास अच्छी भी और हर महीने दे? डिमांड एंड सप्लाई स्टेज द सेम। आप जिस कम्युनिटी के लिए परेशान है ना, उस कम्युनिटी के बारे में वो आपका सारा बायर नहीं है। आप इसकी वजह से ना उस कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं। जो प्रीमियम बायर है ना, आप सबसे पहले उसको छोड़ रहे हैं। राइट पीपल, educated people, they are on good mobile phones, good internet connections, living in good house, they are buying from home. आप beard oil बोलते हैं ना, देखा कभी beard oil internet पे? वो एक ad में गलती से क्लिक कर दो ना, 15,000 कंपनी आपके पीछे पड़ जाती है। एंड दैट यूजर इज intent, उसकी intent है उस टाइम पर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स के लिए 6,000 इंक्वायरी आती है, 6,000 एक घंटे में। मेरा यूजर पाकिस्तान में इतना है। यू आर वेरी फार फ्रॉम द नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी। दुनिया में रूल कर रही है टेक्नोलॉजी। आप लोग अभी तक सोच रहे हैं इस महीने फोकस कर लिया और मैं यार लाया 50,000 रुपया, कुछ भी नहीं होया। ऐसे इस तरह क्या आप फिजिकल मार्केट में 50,000 लगा के काम करते हैं? आप लगे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, चले या ना चले। घर जाकर रिसोर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये मुझे पहले नहीं लगता था, मुझे ये फैक्ट नहीं लगता था। मुझे लगता था नहीं, मैं ऊपर बैठा हूँ तो काम हो रहा है, मैं नहीं बैठा नहीं हो रहा। मैं खुद आईटी वाला बंदा ये मानता ही नहीं था कि टीम सामने है तो ठीक है, सही है। लेकिन जब से मैंने वो देखा, मैंने कहा यार मॉडल बड़ा कमाल है, घंटा काम करो, ऑनर के लिए बहुत अच्छा है। रिपोर्ट देखो, जिसको कॉल पे लेना कॉल पे लो और उसको भाई करो, और जो घर बैठा हुआ उसको ये ऑलरेडी थ्रेट है, मैं घर बैठा हूँ, ये ना घर ही बैठा रह जाऊँ। भाइयों के कुछ सवाल थे। जी श्योर, जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये कहने के कुछ अश्कालात भी हैं उसमें, ठीक है, पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। हाँ वो तो उसको आप पॉजिटिव में कर दें, सारे ही पॉजिटिव ऐसे तो कि जी ऑनलाइन है ये पता नहीं 50% है 30% होगी आने वाले दिनों में, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती बाकी। अच्छा इनका ये, हाँ जी प्लीज। हाँ आपने जो बातें की काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये कि देखें अभी आप जो करंट जो पोजीशन चल रही है, एक तो ये करंट क्या पोजीशन चल रही है ऑनलाइन दुनिया वर्ल्ड में ना, कितने परसेंट ऑनलाइन पे बिजनेस चल रहे हैं, तो दूसरा ये क्वेश्चन है। एक एक करके करते हैं, आंसर दे देता हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही बता दूँगा कुछ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल स्टार्ट विद दिस के पिछले 4-5 साल से मैं पाकिस्तानी आवाम को ये बात बता रहा हूँ। बिजनेसेस जो ऑनलाइन नहीं होंगे ना वो बिजनेस नहीं होंगे। आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिजनेसेस जो ऑनलाइन नहीं होंगे वो बिजनेस नहीं होंगे। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाएँ और फिगर आउट करें सर्वे के अंदर कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस इस लास्ट पैंडमिक के इस टाइम पीरियड में, मनी वॉज नॉट द ओनली प्रॉब्लम कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। अगर वो ऑनलाइन होते ना तो उन्होंने सस्टेन कर जाना था, वो क्रंच निकल जाना था उनका, वो क्रंच नहीं निकल सका। नेक्स्ट पैंडेमिक जो उनसे है ना, आई एम वंस अगेन गिविंग यू अनदर टिप ऑन दिस कि ये ज़्यादा टाइम स्पैन वाला आ रहा है, इसने ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना है पिछले वाले से ना, टाइम थोड़ा लंबा लगा के जाएगा। ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ऐसे आना शुरू होना। अभी आज भी खबर सुन ली आपने, 14 लाख के लाहौर के जो उनसे हैं। नहीं देखिए इतना बड़ा पेंडेमिक अभी आया ना, फिर भी देख रहे हैं, मैं तो खुद मार्केट में जाता हूँ, जितने बड़े बड़े ब्रांड है अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े मॉल्स, और अभी तो छोटे छोटे शहरों में मॉल्स। अच्छा चलो एग्जांपल, अच्छा सरगोधा मॉल, सरगोधा नाम से बोला, सरगोधा मॉल सारी मॉल काफी बड़े मॉल रुके नहीं है, ये कोविड की वजह से थोड़ा रुक गए हैं, रुके नहीं है, लेकिन उन्होंने मजीद। और मैंने दो दोस्त हैं फ्रेंड्स, उनसे पूछा, उन्होंने वो कह रहे कि वर्ल्ड यूरोप में ना इस वक्त बड़े अच्छे अच्छे मॉल बन रहे हैं। आपको किसने कहा? ये कजन है, उसे मैंने पूछा था,
तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त वर्ल्ड में जो चल रहा है ना उसका यानी एवरेज, एक मिनट, मेरी 15-20% एवरेज चल रही है इसकी ना ऑनलाइन भी। और क्या एवरेज क्या है, व्हाट इज दिस एवरेज मींस, यानी इतने सेल चल रही है मार्केट में, यानी इतना काम है मार्केट में ना ऑनलाइन जो ऑनलाइन जो 15% शेयर उठा रहा है ऑफलाइन के बिजनेस आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ द होल मार्केट। हां जी, अच्छा एक तो ये अच्छा सही है सर। जब आप पता नहीं क्या कहते हैं कि शायद आपका क्या व्यू है कि शायद आने वाले वक्तों में क्या रहेगा, ऑफलाइन कहाँ तक चला जाएगा और ऑनलाइन कहाँ तक चला जाएगा। जी ठीक है, जैसी बात आप तो कहेंगे ऑनलाइन अब जाएगा, ठीक है, फील्ड है ना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, यानी हमारा भी, मैं खुद कहता हूँ कि ये एक दुनिया का हुस्न है ना, ठीक है, मार्केटिंग देखिए इंसान का एक, मैं अब तक बंदा एक मिनट सही बात बोलूँ जी जी, अच्छा इंसान कब तक बंद रहेगा, मैं हमेशा बंद रहूँ, ऑनलाइन ही चीज़ें खरीदता रहूँगा, मेरा दिल का मैं मार्केट में जाऊँ देखूँ ये चाहेंगे, मेरे वाइफ चाहेंगे, मेरे बच्चे चाहेंगे, यार बंद क्या है ये मार्केटिंग क्लोज, अंधेरा हो जाएगा मार्केटों में क्या, जैसे कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन ही ऑनलाइन होगा सब कुछ बंद हो जाएगा, सही है, मार्केटें फ्लॉप हो जाएंगी सब कुछ, सही है, महंगी महंगी मार्केटें, फिर लोगों का दिल करता है मैं जाऊँ रौनक देखूँ देखूँ कुछ, ऑनलाइन में क्या देखेगा, बस वो स्क्रीन देखेगा ये परचेज कितना परचेज कर, कुछ लोगों को तो परचेजिंग की आदत होती है रोजाना परचेजिंग कर, बिल्कुल सही है, रोजाना मार्केट में जितना बिल्कुल सही है, लेकिन वो कब तक करेंगे, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, फ़ोन अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये आप सारी बात ना जितनी आपने की है ये है आपके दिल की तसल्ली जो आप खुद दे रहे हैं अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि 15% मार्केट शेयर उठा रही है, दैट फैक्ट इज़ रॉन्ग, दैट नंबर इज़ रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको जिसने भी बाहर से ये कहा ना कि बाहर प्लाजे खुल रहे हैं फलाने कर रहे हैं उस बंद, सुन सुन लेट मी, इधर की बात नहीं कर रहा मैं बाहर की बात की है, मैं ओवरसीज की बात की फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी सारी बातों का ना वन बाय वन। आज से ना 10-15 साल पहले US के अंदर जब इंटरनेट का बूम स्टार्ट हुआ ना, एंड इंटरनेट के बूम को हम बोलते हैं अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, सही है, एंड दीज आर द बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स एट द मोमेंट यूनिवर्स, क्योंकि वो अब ज़मीन से बाहर जाना चाहते हैं। जब बूम स्टार्ट हुआ ना तो जो जो डिस्प्ले वाले लोग थे ना, कन्वेंशनल, आप है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पीपल, ठीक है, एंड आई यूज़ टू बी अ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल पर्सन एज वेल, कि मैं इसी तरह सोचता था कि यार फिजिकल इम्पॉर्टेंट है, सही है। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे उन 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 ब्रांड्स ने जिन्होंने अपने डिस्प्लेस पे फोकस किया था और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स उठा के डिस्प्लेस में प्यारे प्यारे चीज़ें बनाने में, इंक्लूडिंग एडिडास, नाइक एंड बिग जाइंट्स की बात हो रही है, जिन्होंने ये फोकस किया था ना कि हम डिस्प्ले पे करेंगे, आप डिस्प्ले पे पैसे लगा देते हैं, ठीक है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बिजनेस का आपको मैं एक बहुत ग्रेट लॉजिक बता रहा हूँ। बिजनेस क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है बिजनेस और उसका एंड यूज़र, और ये दो लोग जो उनसे हैं ना, ये इनके बीच में लेन देन हो रहा है, राइट। जब आप इस सारे प्रोसेस के बीच में एक डिस्प्ले भी बना लेते हैं ना, आई विल कम बैक टू द यूज़र एक्सपीरियंस एज वेल, जब आप इसके बीच में डिस्प्ले बना लेते हैं तो डिस्प्ले से ये होता है कि आप कॉस्ट ले रहे हैं यूज़र से, और जो ऑपरेशनल बहुत खूबसूरत आपने मेगा जॉइंट खड़ा किया है ना, उसकी ना उस प्रोडक्ट को उठाने के लिए जो कॉस्ट है ना, वो बर्डन कर रही है यूज़र के एंड की जेब पे, सही है, और क्वालिटी उस तरह की नहीं है, लेकिन उसको कॉस्ट उस क्वालिटी का कर रहा है, क्योंकि आप यू वांट टू लुक हैवी एंड बिग, सही। US के अंदर जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना इसका, तो जो छोटे वेंडर बैठे थे ना पीछे, छोटे छोटे यूनिट्स वाले और गोदामों वाले और ये, उन्होंने जब अपने स्टोर्स को ऑनलाइन किया ना, दे किक्ड दीज बिग जायंट्स आउट, पूरा रेवोल्यूशन आया 5 साल के अंदर, और लोग ना वहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स ना मार्केटों के अंदर और बड़े बड़े प्लाजों के अंदर से आउट हुए। ये पैंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले जो इंटरनेट के अंदर हमने देखा US में होता हुआ, मार्केट को समझ आ गई, छोटे हर बंदे को, जो बंदा काम नहीं भी कर पा रहा था ना, आज हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, क्योंकि बन रहा है, इंटरनेट इज़ गिविंग मनी टू दीज पीपल एंड दे आर ग्रोइंग एंड इट्स बीन चेंज। अब जो आपके खानदान के बाबा के बाबा के जो उनसे अमीर लोग थे ना, वो अब दे आर नॉट अमीर एनी मोर, ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा उठ के जो उनसे अपना स्टोर बना के अपनी गेम डाल रहा है, कितने पैसे लोग घरों में बैठे कमा रहे हैं, रियलिटी नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ना, ना करें आप इसको समझते हैं इंटरनेट कि जो कि रियलिटी नहीं है, मैं इसको समझता हूँ इट्स अ फकिंग रियलिटी, इंटरनेट नहीं, इट्स अ फकिंग रियलिटी ऑफ दिस टाइम, पहली बात ये है। और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी किसी ने कि लोग वहाँ पे ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो उनसी ना, जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना, जो स्पेस में, AI में, और दूसरी यहाँ बैठ के कोई बंदा के फिजिकल बात कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जो बड़ा पैसा डल रहा है ना, वो स्पेस जाने पे, AI पे डल रहा है, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो इंटरनेट की तरफ जा रही है, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टुवर्ड्स इंटरनेट राइट नाउ फॉर द गवर्नमेंट्स, जाइंट्स, बिग कंपनीज, बिग कंट्रीज, ठीक है। हमने यहाँ बैठ के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो अजम्पशंस बनाई हुई है ना, दीज आर जस्ट अजम्पशंस,
ये रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके हाथ में आपको चिप लगी हुई है, आपका ध्यान इसके ऊपर है, योर ओन फकिंग आईज आर ऑन दिस फोन एट एवरी सिंगल सेकंड। इट मींस कि अगर आप यहाँ पे नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग। अगर आप यहाँ नहीं है ना, जब आप होर्डिंग पता क्यों बाय करते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। ये सेम रेवोल्यूशन जो सा US ने एक्सपीरियंस किया ना, उसके 5 साल बाद, क्योंकि UK ना तकरीबन 5 साल पीछे है US के टेक्नोलॉजी से ना, 5 साल का उनका गैप है। सेम ना एक्सपीरियंस किया उन्होंने, उन्होंने भी सेम ये एक्सपीरियंस किया कि जो बड़े बड़े जाइंट्स थे जो डिस्प्लेस पे इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वो गिरे हैं। सफ़र किया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो गोदाम वाला जो पीछे नहीं बैठा हुआ, एक IT का लड़का और गोदाम वाला, उनकी जो पार्टनरशिप थी ना, वो यूज़र को जितवा रही थी। लेट्स नॉट पुट मनी इन टू द फकिंग बिल्डिंग, लेट्स क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट, उसको यूज़र को दें, यूज़र को डायरेक्ट प्रोडक्ट के हाथ में आएगी, वो कहेगा वाओ, वी बोथ मेड मनी, वी आर विन विन सिचुएशन, प्राइस भी फर्क हो गया, बोथ आर विनिंग, लेट्स फॉरगेट अबाउट। ऐसे कंपनीज की जो बिल्कुल लॉन्च जरेगी यार, आप देखें, लिसन, हम ना यहाँ पे, इट्स नॉट एन आर्गुमेंट, मैं आपको अपनी आई एम गोइंग टू गिव माई वर्ड, आप रिसर्च करें ना, मैंने क्यों देना है, मैं क्यों इस स्टैंड को अपने आप, इफ यू डोंट बिलीव इट, डोंट बिलीव ऑन मी, ना करें, जस्ट डू द, ये टाइम तो टोटल आपको कंसल्टेंसी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस फैक्ट को आप देखें, आप अपने आर्गुमेंट में पता क्यों खड़े हुए हैं, आप अपने आर्गुमेंट में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप भी देखें, आप भी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप तो एक माइंड बना के आए हैं, अपने आपको माइंड बना रहा, आपने अपने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, आप रिसर्च इकट्ठी करें, फैक्ट्स नहीं, लोगों से नहीं सुने, लोगों से सुनेंगे ना, लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पैंडेमिक के बीच में अगर लोग प्लाजे खोल रहे हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, मैं खुदा की कसम प्लाजा ना खोलूँ इस टाइम पे, क्योंकि प्लाजे तो खाली पड़ रहे हैं मुसलसल, पीछे कितने खाली हुए हैं और कितने खाली पड़ रहे हैं, डिफेंस चले जाएँ, मोल्टोन चले जाएँ, दुकानें बंद होगी, बिजनेस बंद होगी, ऑफिस बंद होगी, लोग घरों से काम कर रहे हैं, आपके बस में नहीं है ये बात सोचना कि लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या अमेजोन इज अ जायंट ऑफ, अमेजोन से बड़ा जायंट नहीं है, राइट, हमें पता है ना इस बात का, इस पर फैक्ट कोई डिस्कशन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अमेजोन आपके मोबाइल पर कस्टमर को इतना अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहा है कि पीपल आर ट्रोलिंग लुकिंग एट द प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा कि उनकी वो एडिक्शन ही ख़त्म नहीं हो रही, वो बाहर जा ही नहीं रहे, उनकी एडिक्शन इस फ़ोन के अंदर है, आपकी एडिक्शन इस फ़ोन में है, सुबह उठते हैं इसको मुंह पे लगा लेते हैं, रात को उठते हैं फ़ोन लगा लेते हैं। ये पहला रेवोल्यूशन था जब फ़ोन आया था, तार से निकल के ना वायरलेस हुआ था, पहला रेवोल्यूशन था वो दुनिया का, और हम सब ने देखा कि हमने ना 60-70 हज़ार रुपये के फ़ोन लिए, सिम्स हमने 10-10 हज़ार रुपये खरीदी लाइनों में लग के, ठीक है, वो रेवोल्यूशन था। दिस इज सेकंड टाइम दुनिया में सेकंड टाइम रेवोल्यूशन हो रहा है, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे बिफोर टाइम, तो आप इसके साथ चलेंगे, अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कौन ना करें। नहीं, ये देखिए, ये तो लाजम मज़लूम है ना, ज़रूरी है इसके साथ रिलेटेड। ऑनलाइन भी हम नहीं इससे इनकार नहीं करते कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से हम नहीं एग्री होते, या आप क्या कहते हैं कि अभी इन फ्यूचर बिल्कुल ही 100% स्पीड कन्वर्ट हो जाएगा यार, 100% देखें, कुछ मॉडल 80% भी नहीं हो सकता, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे हैं कि वो ना वर्चुअल हो नहीं सकते, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, लेकिन 80% के बारे में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको एक्सपीरियंस कर लें। आप US का चक्कर लगाएं, इस वक्त आप क्या 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 बता रहे हैं, आपकी क्या नॉलेज है, कितने परसेंट चल रहा है ऑनलाइन? यार मेरे मुताबिक ना 2025 तक 50% ऑफ द बिजनेस आर गोइंग टू बी ऑनलाइन, 50% बिजनेस, ये मेरा फैक्ट नहीं है, आप रिसर्च करेंगे ना जब नंबर्स पे जाएंगे आपको बड़े मेगा जायंट्स का रिसर्च मिलेगी, एक ही नहीं, इसको कहाँ तक 80% तक जाएगा, ये 80% तक जाएगा, जो 20% है ना वो समहाउ ऐसे फ्लॉप हो चुकी होंगी, हर तरफ कम हो चुकी, फ्लॉप देखें, फ्लॉप पता क्या, आप ना इस फैक्ट के साथ रहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि फ्लॉप आप तब होते हैं वो लोग ऑब्वियसली हो चुके होंगे, हाँ होंगी ये जो बड़े अभी देखिए, इस वक्त अभी भी मैं रोजाना मार्केट में जाता हूँ और दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड है, ब्रीजे, शनायर, ये डॉट, इन्होंने बीच में काम रोका है, कोविड है ना, दोनों की जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोकी हैं, लेकिन अभी एकदम फिर बूम पे आ गई, एकदम फिर वही काम चल पड़ेंगे, तब अभी बहावलपुर छोटा सा शहर, इतना बड़ा शहर नहीं, एक एयरपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि ये जो ना ब्रिज वाला एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट, अच्छा देखिए एयरपोर्ट तो नहीं रुक सकता ना, यानी एक बार एयरपोर्ट तो नहीं, एयरपोर्ट में ऐसा शॉप बना रहे हैं, वो इतनी कॉस्टली शॉप बना रहे हैं, मैं वही, हाँ जी जी प्लीज, फिर मीरपुर कुछ भी नहीं है, वहाँ भी अपना घर बिल्कुल बनाया, बिल्कुल इतना बिल्कुल रुके थे, बिल्कुल
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जेट को आप जानते हैं पर्सनली? कोई जानता आप में से? आप नहीं जानते? आप उनसे ना, आप उनसे, आप उनसे पूछेंगे आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है इन फ्यूचर। जेट से आप कम्पीट नहीं कर सकते। जेट फिजिकल जितना खोल रहे ना, जेट जितना फिजिकली खोल रहा है ना, जितना फिजिकली खोल रहा है उतना वो वर्चुअल भी खोल रहा है साथ में। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटरव्यू सर, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें, सॉरी टू से आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमारा एक्सपीरियंस अभी कुछ भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पैरेलल वर्किंग करें, क्योंकि हम खासतौर पर अगर अपने खत्ते पाकिस्तान को, एशिया को देखें, तो एशिया में लोगों के कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होते हैं कि मैं चीज़ को टच करूँगा, महसूस करूंगा, तो फिर इसको बाय कर। इंसान अंदर नहीं बैठ सकता क्या यार? नहीं, वो भाई नहीं देखें, मार्केट देखें, रोशनी देखें, पार्क में जाएं। देखें, इंसान यूएस में ना अंदर ही बैठा हुआ है, इंसान यूके में ना अंदर ही बैठा हुआ है, इस टाइम वो अंदर ही बैठा हुआ है, और इससे पीछे भी, इससे पीछे भी मेजॉरिटी अंदर ही बैठी हुई थी। आपको देखें, इंसान अंदर नहीं बैठता ना तो वो पिकनिक मनाने जाए, अगर इंसान अंदर नहीं बैठ सकता तो वो पिकनिक मनाने जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर कोई टोटली चीज़ें मूव करना बंद कर देंगी, बट अगर आप 2013 से लेके अब तक के स्टैट्स देखना चाहते हैं ना पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के अंदर ही मार्केट ने कितना ग्रो किया है। आप अगर आप 2013 से ये काम स्टार्ट किया होता ना आपने, तो आज आप मेरे साथ ये मीटिंग नहीं कर रहे थे। अब आप दूसरी मीटिंग, अब आपने अगर आके इस बारे में सोच लिया ना, तो आप 2025 के अंदर ना आप मेरी बातों को याद करेंगे। सिर्फ सिर्फ ये फ़र्क रह जाएगा। मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आपने करनी है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का ना रुख ठीक कर लें। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख नहीं ठीक करेंगे, आप गुजरावाला के अंदर जाके या किसी जगह जाके एक प्लाजे के अंदर इतनी शॉप लगा के इतनी सब कुछ करना चाहते हैं, उतने पैसे आप ऑनलाइन डाल रहे होंगे ना, तो पता नहीं आपका कितना बड़ा रिटर्न होगा, कितना फ्यूचरिस्टिक रिटर्न होगा वो। ये बात ठीक है आपकी, देखें ये सही, हम फेसबुक पे जैसे कर रहे हैं, कुछ और मजीद पे अपना प्रमोशन करते रहेंगे, चलते रहे, काम चलेगा। अभी देखें ये वेरीफाइड है फेसबुक पे, जब जिसने भी देखा है ना उनको पता ये वेरीफाइड है, फौरन क्लिक कर लेना। ये तो इन फ्यूचर जब हम भी इस पर करते रहेंगे स्लोली स्लोली इस पर हमें, लेकिन ये जो है ना 100% आ जाना, इस पर 80% आ जाना। सर मैं आपको, ये हमें इसकी जरूरत, मैं आपको अदर वे राउंड समझा रहा हूं। फिर भी शॉप्स खोल रहे हैं अपनी, हालांकि वो वेरीफाइड है। यार देखें, मुझे बताएं, अभी पैंडेमिक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम के पैंडेमिक वापस आता है, अज्यूम कर लेते, लेट्स अज्यूम के ये वापस आता है, उसकी उस शॉप की इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इन लोगों की ना रिसर्च नहीं है, ये है कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल ट्रेडिशनल समझते ना, एक होता है माइंड। आपने हमेशा से एक तरह काम किया, आपकी गोश्त की दुकान है, आपने हमेशा गोश्त की दुकान पर बैठे गोश्त बेचा है। फॉर एग्जांपल, अगर उस गोश्त की दुकान ने को रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल फॉर अ बेटर ऑडियंस जीनत ने, तो आपने उस अच्छी अपनी अच्छी दुकान को भी एक्सेप्ट कर लिया, वरना गोश्त की दुकान तो गोश्त की दुकान होती थी, ठीक है। क्यों गए आप जीनत के पास? क्यों गए आप फ्रिजों के अंदर चीज़ें लेने? ठीक है, अब वो गोश्त की दुकान जो सी है वो ऑनलाइन भी हो गई है। अब जब वो ऑनलाइन हुई है, हाँ, अब जब वो ऑनलाइन हुई है, लिसन टू दिस नाउ, अब ब्राइटर साइड पे देखें इसको। पहले ना किसी भी चीज़ का अगर आपने मुआवजना करना हो ना, तो पहले आप दोनों ना, अगर आप ये, अगर आप अपने आप को पहले कन्विंस करके उसके पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं ना, ये दैट्स नॉट द वे। आप ये वाली वर्किंग तो करके आ ही गए हैं, अगर आपने मेरे से कुछ सुनना है तो दूसरी वर्किंग पूरी नहीं ले लें, ताकि आप फिर आप खुद वैल्यूएट कर सकें। हाँ, बस हमारे जहन में यही क्वेश्चन है, जो इतना लोग वो पैसा लगा रहे हैं, क्या वो लोग उन इंटरनेशनल लोग, यार कन्वेंशनल है ना, पता लगाओ कन्वेंशनल माइंडसेट है ना, यहाँ पे जिस हमारा मसला ये है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों है, हम क्यों है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसी वजह से कि हमने सबसे एंड पे खेलना है। दुनिया जिसको कर चुकी है, आगे मूव कर चुकी है, हम आखिरी होंगे जो किसी तरफ हम मूव करेंगे, वी विल बी द लास्ट। इंडिया हमारे साथ बैठा है, उधर से रिसर्च पकड़ लो एटलीस्ट, उनको देखो क्या कर रहे हैं वो। अगर आपको ये पता हो, ऑनलाइन बिजनेस आपको पता क्या हेल्प देता है? आपको ऑनलाइन बिजनेस ना नंबर्स में ब्रेक करके देता है चीज़ें। ये बिजनेस जो बिजनेस होता है ना, वो होता है नंबर्स में, वो अजम्पशंस में नहीं चलता। अगर आपको ये बात पता हो कि आपके आने वाले मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल इतनी सेल्स फॉरकास्टेड हैं आपकी, और ये नंबर्स आपको इंटरनेट अगर बता रहा है आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के थ्रू या डिफरेंट तरीके से,
तो आप इतनी अच्छी गेम खेल सकते हैं बिजनेस की, जिसके पास सेल्स का फोरकास्ट होता है ना वो मार्केट किंग होता है, उसके डिसीजंस ना बड़े सॉलिड होते हैं एक्सपेंशन की तरफ, वो कमिटमेंट बहुत खूबसूरत बिल्ड करता है, उसकी ग्रोथ बहुत कंप्लीट होती है। इंटरनेट आपको सबसे पहले ना ये अनेबल करके देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी एक एक एक, एक जी जी अभी आज सुबह सुन रहा था, एक तो वो कह रहे थे जितने आपके बिलबोर्ड देखते हैं ना लोग, आप उसको काउंट नहीं कर सकते जो बिलबोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आपके जो ऑनलाइन पे जो आ रहे हैं आपसे होंगे। हां जी, आप इसके अलावा 10,000 लोगों ने आपको देखा है। लेट मी ऐड वन मोर थिंग टू दिस, जिस कॉस्ट में आपने वो बिलबोर्ड लगाया हुआ है उस कॉस्ट के अंदर ना आपको 4x लोग मजीद देखेंगे। आपकी जो बाइंग होती है ना, मतलब मैं तो बोलता रहूंगा, आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू मेक सेंस। आपकी जो बाइंग है ना, आपकी सारी बाइंग इट्स इमोशनल। आपकी जो बाइंग होती है ना, ये तो पता है ना आप लोगों का, ये इमोशनल होती है, लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। इंटरनेट आपको इस चीज़ के लिए इनेबल करता है कि आप एक यूज़र को अपने एड ना मल्टीपल टाइम दिखा के उसको कन्विंस कर सकते हैं। जो पेप्सी कोक मिरिंडा एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, वो एक खास किस्म की एडवर्टाइजिंग है, उसको बोलते हैं हैमरिंग। हैमरिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है कि जिसके अंदर इंसान बिलबोर्ड पे भी आपको देख रहा है, अखबार में भी आपको देख रहा है, हर तरफ आप नजर आ रहे हैं, आप इमोशनली उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सोचे समझे बगैर आपकी बोतल बाय करेगा। अगर एक बंदे को आप अपना ऐड 7 दफ़ा दिखा दें, अगर एक बंदे को अपना 7 दफ़ा ऐड दिखा दें, वो मोर लाइकली और हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बाय ज़रूर करेगा। इंटरनेट आपको इसके लिए इनेबल करता है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग है। किसी बंदे को पहले टीवी करता था ये प्रोग्राम, अब आपको कर रहा है इंटरनेट ये प्रोग्राम, सही है। अब ये है प्रोग्रामिंग, आप अपने यूजर्स को ना प्रोग्राम कर लेते हैं। इंटरनेट आपको ये अलाउ करता है आप लोगों को कि जब आप कोई चीज़ जाके किसी एक जगह पे खोलते हैं या कई दफ़ा किसी चीज़ की बात भी करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आती है। आती है कि नहीं आती है, आप सबने एक्सपीरियंस किया ये, एक ब्राउजर को देखा दूसरे पे। ये काम आपको कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग नहीं देती, इंटरनेट आपको ये देता है। ये है बिजनेस डिसीजन। इसके लिए आपको ना फैक्ट्स पे बात करें, लिख लें, फॉरगेट अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, इट्स अ बिजनेस। इसमें किसी की अजम्पशन, किसी की लाइकिंग, ये प्रेफरेंसेस, दिस इज व्हाट आई लर्नड, कि इसमें मैं व्हाट आई वांट डजंट मैटर, इफ माय यूजर वांट समथिंग दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपका यूजर ही, फॉर एग्जांपल आपके सारे यूजर्स इस, और से सुनिएगा क्योंकि आपने इस पर डिसीजन लेना है, और आपने ये डिसीजन, मैंने आपका काम नहीं करना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, तब भी कहा था कि मैंने आपका काम नहीं करना, मैं लोकल मार्केट में लोगों को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा सिवाय अपने टाइम के, ठीक है, और मैंने प्रोवाइड करनी भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे ना लोग ना, यहाँ पे लोगों के पास ना, यहाँ पे लोगों को ना सर्विसेज का पता नहीं है। रोज मैं यूएस में बिजनेस करता हूँ ना, दे लव मी, ठीक है, वो दे लव मी। अगर मैं सैटरडे उनका 15 मिनट के लिए फ़ोन सुनता हूँ ना, दे लव मी, वो 6 मंथ्स के लिए मुझे सर बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे, वैल्यू आप मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, बट मैं वैल्यू बता के आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस डिसीजंस फैक्ट्स की बेस पे बनाएं। आप खुद से इसकी रिसर्च करें, एक शीट क्रिएट करें, डोंट गो फॉर एनीथिंग, डोंट मीट एनीवन। एक दो शीट्स बनाएं या कंपैरिजन शीट ही बना लें, एक के अंदर फैक्ट्स लिख लें, दूसरे के अंदर भी फैक्ट्स लिख लें, और फिर उसके बेस के ऊपर आप ना एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, लास्ट 10 सालों में दुनिया के अंदर कौन से बिजनेस मॉडल्स थे जो कामयाब हुए। दुनिया में IT के बिजनेस मॉडल कामयाब हो रहे हैं पिछले 10 साल से, बाकी तो सारे सफर कर रहे हैं, बाकी तो वैसे चल रहे हैं। ये रीड अबाउट दीज थिंग्स ना, ये है बिजनेस मॉडल। फिर बिजनेस मॉडल में भी, IT के बिजनेस मॉडल में भी सर्टन बिजनेस मॉडल्स हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस मॉडल्स वो चले जो रिकरिंग थे। ऐसी कौन सी आइटम है जो मैं अपने यूजर को हर महीने दे सकता हूँ, मेरे पास अच्छी भी और हर महीने दे। डिमांड एंड सप्लाई स्टेज द सेम, डिमांड एंड सप्लाई कोई नहीं, क्वालिटी मैटर करती है, डिमांड एंड सप्लाई। एक बंदे को अगर रोटी खानी है तो उसको खानी खानी है, एक बंदे ने पहनना है तो उसने पहनना ही पहनना है, ठीक है। आप तो डिमांड एंड सप्लाई मीट करना है ना आपने तो, ठीक है। रिकरिंग जब होता है ना मॉडल आपका, रिकरिंग मॉडल वो होता है जिसमें आप किसी यूज़र से 10,000 रुपये ले रहे हैं, हर 3 महीने बाद ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत है, एथिकली कोई एडिक्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको, ठीक है। आपको पता है आपकी सेल्स की फोरकास्ट क्या है, आपको पता है आने वाले वक्त के अंदर में कितने पैसे होंगे, आपने फिर यूज़र बेस बढ़ाना है सिर्फ, ठीक है। तो अपने मॉडल के लिए भी जो जो आपके लोकल मार्केट के अंदर जो शनाख्त है या जिने है, आप उनके अकाउंट्स के नंबर्स एग्जैक्टली जाके देखें तो आपको पता लगेगा 2013 से अब तक उनकी पीछे IT की टीम कितनी बड़ी हुई,
और उन्होंने तब से लेकर अब तक कितनी सेल्स बनाई और उनका आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या मुसलसल फिजिकल सेल बढ़ रही है या वर्चुअल सेल जो उनसे वो उसके मुकाबले में बढ़ी होती जा रही है। और लेती जा रही है और बढ़ती जा रही है ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअल को अंडरस्टैंड करें क्या ग्रोथ है उसके पीछे, नंबर का फर्क ना देखे काशिफ भाई। मैंने पता किया इस चीज का ना, मैंने डायरेक्ट बंदे से पूछा है जो अकाउंट्स में देखते हैं, जो फिजिकल मार्केट भी देख रहे हैं और दूसरे भी, क्योंकि उनकी शादी भी एक दफा में गया था, वहाँ भी मेरे उनसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ यानी इतना नहीं, लेकिन ऑफलाइन जो है ना वो असल में मेरा कहने का मतलब है ऑफलाइन भी ख़त्म नहीं हो सकता मार्केट में, और ऑफलाइन भी उसमें उतना ही मेहनत कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। मैं देखिए वो बिजनेस उन्होंने उनका चल रहा है ऑनलाइन ना, क्योंकि उन्होंने एक अपना ब्रांड बना चुके हैं, ऑनलाइन का बिजनेस हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन में फिर भी वो मजीद खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं आपको 2025 में हमारी मुलाकात होगी और आप ना मुझे कहेंगे, आप मेरे आप कहेंगे कि ओ आप कहाँ थे इतना 5 साल। नहीं नहीं रैम की बात देखें, एक तरफ आप एक बात को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला रैम करे, आप वो स्टेप क्यों नहीं राइट लेते। ये भी इसमें बड़ा एक आसान तरीका ये है कि हम अगर आज अपनी कोई मीडिया बाइंग और सिलसिला शुरू करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले बिल्कुल उसकी टेस्ट रन करें, शूट वगैरह करके उसके वो करके, और हम उस पर असेस कर सकते हैं कि कितने लोगों ने हमें देखा और हमें कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। आपके पास आप यकीन करें, आप यकीन करें, मैं सुनिए गौर से, ये चीज़ बेचनी है ना, ये चीज़ बेचनी, सेल्स का फॉर्मूला है एक सर्टन ना, वो अंडरस्टैंड करना आपने, ये चीज़ मैंने बेचनी है, इसका है इसकी कीमत है 10 रुपये, इसकी जो कीमत है ना 10 रुपये, इसके अंदर कॉस्ट भी है, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग भी है, इसके अंदर मेरा मार्जिन भी है, इसके अंदर सो मेनी थिंग्स, इसके अंदर एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ है कि आखिर इसको बेचने के लिए, इसको बेचने के लिए मेरा मुझे जो एक कस्टमर लाना पड़ा है, बेचने के लिए जो एक कस्टमर एक्वायर करना पड़ा है उसकी क्या कॉस्ट है, मार्केटिंग उसका एक्सपेंस क्या है, ठीक है, आपको पता है आपके बिजनेस का मार्केटिंग एक्सपेंस क्या है, 15% पर पर्सन एवरेज 15% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जी, और इट्स 10 times हायर देन व्हाट यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट। कैसी बात की है जी काशिप भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बस बात करता हूँ। पैसे किस में डालने हैं आपने, कस्टमर एक्वायर करने के पैसे डालते हैं आप, इन्वेस्टमेंट आप कस्टमर एक्वायर करने के लिए कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं। जी आपने वो जो बात की ना अमेरिका के अंदर जो पीछे बैठे हुए थे लोग, असल में वो क्यों कामयाब हुए, जो रही बात की वो फिर जो आप कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं ना एडवर्टाइजिंग की, दैट इज वेरी हाई, इंटरनेट पे आपकी कॉस्ट 10 times लो होगी, मतलब आपकी एक लीड जो मिल रही है ना आपको, फॉर एग्जांपल जिसने बाय किया आपसे, हो सकता है वो 5% 3% हो डायरेक्टली, इसने आपका मार्जिन बढ़ाया फौरन। ये हाँ जी, पता है ये ना नंबर्स की गेम है। ये बात आ रही है कि फिजिकल कम्युनिटी की जो है, जो फिजिकल जाके परचेस करने वाले हैं वो ना हम लूज कर बैठे यार। आप मुझे सुनिएगा, आप रखें, मैं आपको नहीं बंद करने का नहीं कह रहा, आप ट्रांजिशन करें इसको, स्लो ट्रांजिशन इज ऑलवेज गुड, ग्रेजुअली करें। आप जिस कम्युनिटी के बारे में परेशान है ना, गौर से सुनिएगा सर, बड़े ध्यान से सुनना आपने, आप जिस कम्युनिटी के लिए परेशान है ना, उस कम्युनिटी के बारे में, वो आपका सारा बायर नहीं है, आप इसकी वजह से ना उस कम्युनिटी को मिस कर रहे हैं, जो प्रीमियम बायर है ना, आप सबसे पहले उसको छोड़ रहे हैं। राइट पीपल, एजुकेटेड पीपल, दे आर ऑन गुड मोबाइल फोन्स, गुड इंटरनेट कनेक्शंस, लिविंग इन गुड हाउस, दे आर बाइंग फ्रॉम होम गुड पॉकेट, ठीक है। आप ना कन्वेंशनल वे की वजह से ना आप कह रहे हैं कि यार मेरा ये ना रह जाए, मैं ये नहीं कह रहा बंद करें, लेकिन आपने आप पूरा का पूरा जो एक एक जो खास पूल है ना, इम्पोर्टेंट पूल, लॉर्ड से जो एलीट क्लास है ना, इस वक्त रात को दुबई भी होती है, ये नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, 2 दिन दुबई भी रहती है, परचेज करके मार्केट से वहाँ से आ जाती है, असल वो मार्केट में जाती है ना, पाकिस्तान की मार्केट से नहीं परचेज करते जितनी एलीट क्लास है, क्योंकि मेरे पे वो बात अलग है, लेकिन मैं कई लोग होते हैं ना, वो दोस्त है, वो कहते हैं जब तो गए थे 2 दिन गए थे, ये चीज़ परचेज करके ले आए, अच्छे जो एलीट क्लास वाले हैं ना वो भी मार्केट में जाते हैं ना। नहीं देखिए आप ना काशिप भाई की जो मुझे बात मैंने जो अंडरस्टैंड की, देखिए हम पिछले 5 साल से बिल्कुल ब्लॉग को लेके रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 साल में हमने कितना एक्सपेंस
नंबर देखें अपने, वैल्यूएट करें और नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं जो हमारे साथ लॉयल हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी प्रायोरिटी वन टाइम है, आपकी प्रायोरिटी वन टाइम है। हमने 10-15% भी ऑनलाइन पे काम किया होता और 10-15% भी कस्टमर हमारे लॉयल हुए थे और एक वो ऑर्गेनिक वो फील्ड बनी होती हमारी, तो मेरा ख्याल है वो हमारे लिए बिल्कुल ब्लास्ट। सर इंटरनेट पता कैसे, लेट मी, ये देखिए मैं आपको सर 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 सुने आप लिसन टू दिस, अब आपको ना एक स्टेप आगे की इन्फॉर्मेशन है, आप आ गए उस जगह पे ना इंटरनेट पे, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स, ठीक है, कन्वेंशनल छोड़ दें, इंटरनेट है जी, इंटरनेट की कम्युनिटी है, सही है जी, बिल्कुल। उसके ऊपर आपकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है या नहीं? बिल्कुल करती है, करती है। उस ऑडियंस में से किसी ने भी आपकी प्रोडक्ट की सर्च इंटरनेट पे की, मिसाल के तौर पे आई वांट टू बाय अ कैजुअल पार्टी वेयर, जो भी आप बनाते हैं, डोंट नो एग्जैक्टली क्या है आपकी, आपने कहा जी गूगल पे गई या कहीं पे भी गया, उसने इंटरनेट पे ना अपनी इंटेंट समझते हैं ना, उसने अपनी इंटेंट के मुताबिक ना एक सर्च की लॉन्ग फ्रेज, उसने कहा कि नहीं आया नहीं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, उसने इंटेंट की कि मुझे आई नीड अ पार्टी वेयर ब्लैक ब्ला 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 व्हाटएवर, लॉन्ग फ्रेज शॉर्ट फ्रेज कर दी। इसका मतलब ये है कि वो आपकी सिमिलर, आपसे सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढ रही है, यू कैन गेट टू दैट पर्सन थ्रू एवरी सिंगल डिफरेंट मीडियम, अगेन एंड अगेन, यू कैन रीटारगेट देम अंटिल दे बाय योर प्रोडक्ट, यू कैन मेक देम बाय। इंटेंट थी ना, आप छोड़ें कि क्या बात कर रहे हैं आप ना, कि आप यूज़र आपकी आपका ले आप ज़बरदस्ती लेने जाएंगे किसी से मिलेंगे, आपका कोई यूज़र नहीं है, आपका कोई लॉयल कस्टमर नहीं है, कोई है ही नहीं आंटी, अनलेस कि आप उसको नज़र ना आते रहें, जब तक आपके इनबॉक्स के अंदर आपके मोहल्ले का कैफ़े वाला चाय वाला आपको मेन्यू भेजता है ना, आपको वो याद होता है, आप उसके बड़े लॉयल होते हैं, यू लव द फकिंग पास्ता दैट दे आर सेंडिंग एट योर प्लेस राइट, बट वो आपको याद तब होता है जब वो आपके व्हाट्सएप पे आपको किसी टाइम मैसेज करता है, फिर याद होता है, सही है। अब वो जो इंटेंट क्रिएट हुई है ना इंटरनेट पे, कितनी इंटेंट क्रिएट होती होगी पाकिस्तान के अंदर, आप अपनी चीज़ लेके उसके पीछे पड़ जाएं कि हाँ हम दे रहे हैं, आप बियर्ड ऑयल बोलते हैं ना, देखा कभी बियर्ड ऑयल इंटरनेट पे, वो एक ऐड में गलती से क्लिक कर दो ना 15,000 कंपनी आपके पीछे पड़ जाती है, एंड दैट यूजर इज इंटेंट, उसकी इंटेंट है उस टाइम पर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एक घंटे में पाकिस्तान के अंदर, एक घंटे में मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स के लिए 6,000 इंक्वायरी आती है, 6,000 एक घंटे में, मेरा यूजर पाकिस्तान में इतना है। आप कस्टमर की कौन सी बात कर रहे हैं, यू आर वेरी फार फ्रॉम द नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया में रूल कर रही है टेक्नोलॉजी, आप लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हमें कंपैरिजन करना है या फलाने ने, ये जस्ट सेटिस्फेक्शन, अगर आपने देनी है देते रहें, कीप ऑन गिविंग यू लाइक, वो होप नहीं होती, इट्स जस्ट अ होप। हम इस पे अपने आप को इस फेज में लेके आना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ज़रा उसे स्टडी करेंगे, नहीं जल्दी ना करें जल्दी, मैंने देखें मैं पता क्या मैं मेरा मसला पता क्या सर, मेरा मसला ये है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सर, पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ना इसके बारे में ना इस रियलिटी के बारे में अपने एंड मुताबिक सब बताऊं, डिसीजन आपके हैं, हाँ उसमें ना देखें करें कैसे, अब लेट्स कम टू दैट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लेट्स से जो भी है सही है, उसको ना एटलीस्ट 30% उसका ना आप समझेंगे, नहीं आप पता क्या करें स्विच करेंगे आप 30% आप ये समझेंगे आप कुएं में फेंक रहे हैं, ट्रस्ट मी आप कुएं में फेंकते जाएं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो उनसे ना मुझे याद रखेंगे, वैसे भी याद रखेंगे, टाइम लगेगा, हाँ आप 30% कुएं में फेंकते रहें ठीक है, आपको टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने में, ये जो आप, मैं पता कि मुझे जो चीज़ ना करने को, तो ये भी एक मेरा ब्रेन का ना मसला है कि जो चीज़ नहीं ना पता वो थोड़ा ट्रबल कॉज करती है साइकोलॉजिकली, आपको ये बात मानने को तैयार नहीं होती आपके यार इट्स रियलिटी, क्योंकि वो आप उसके साथ ना सिंक्रोनाइज नहीं हुए, वो आपको ट्रबल कॉज करता है कि यार ये क्या नई मशीन है, कोई भी हाथ में आ जाए एक ही है ठीक है, थोड़ा सा करता है पता नहीं सही है बंदा ना अपने आप खुद ही, हालांकि वो सही है सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, दुनिया ग्रो कर रही है, चल रहा है, दुनिया ने ट्रांजिशन देख लिया है, दुनिया रियलिटी में आ गई, AI भी चलेगी, चांद भी जाने वाली है, बाइंग पे कंट्रोल कर लिया, जेफ बेजोस जैसे बंदे और इस तरह के लोग जो उनसे इंटरनेट की पावर से दुनिया में नजर आने शुरू हो गए इसी मार्केट के अंदर, इसी दुनिया के अंदर सही है, बट हमें ना बिलीव करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा,
उसके एक रीजन ये है ना कि जो हमारा भी कस्टमर है या जहाँ तक अभी हम अप्रोच कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में, उधर लोग इसके साथ इतना सिंसियर नहीं है। जैसे आपने कहा वो डाल तो देगी जो उसको चाहिए, लेकिन वो अगर अननोन ब्रांड देखेगी या अननोन कोई नाम देखेगी ना, वो नहीं परचेज करेगी। गुड क्वेश्चन, ना करें। नहीं नहीं नहीं, लेट मी टेल यू, सुने गौर से। एक अननोन ब्रांड में और नोन ब्रांड में क्या फर्क होता है? मैंने आपको बताया था शुरू में एक प्रोसेस था जैब जैब हुक, आप उस अननोन ब्रांड को 7 दफा दिखा के ना नॉन ब्रांड कर दें, ऐसे होता है ब्रांड, बार बार दिखा के होता है ब्रांड, रेपिटेशन जो है ना, रेपिटेशन, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड। ये जो इतने ब्रांड्स हैं ना, आप इनको सुन सुन के आप, ये आपके लिए ब्रांड बने हैं। अगर आपने का आज नाम सुना होता, आपके लिए अननोन ही होना था, ब्रांड ऐसे ही बने ना, ब्रांड ऐसे बने। यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन शो योर एड अगेन एंड अगेन, डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल टाइम टू द सेम पर्सन, शो देम। एक होता है, ये होता कैसे है, ब्रांड बनता कैसे है? अब ब्रांड वाली साइड पे आ गए हम। ब्रांड बनता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरे के सामने पोजीशन कैसे किया है। इट्स नॉट अबाउट कि उस प्रोडक्ट के डब्बे के अंदर क्या है, वो डब्बा कैसा है, वो डब्बा कैसे है और आपने उस डब्बे की वैल्यू बनाई कैसे है, कैसे आपने बार बार कहा है कि ऐसा ऐसा आप हम साइकोलॉजिकली पता क्या, मेरा अपना मसला है, मैं कहीं चला जाऊँ ना, उसमें लिखा हो ना 3 प्रोडक्ट्स पड़ी और एक पे लिखा हो एक्सक्लूसिव, तो आई वांट टू बाय एक्सक्लूसिव, हालांकि वो एक्सक्लूसिव नहीं है, बस लिखा वो मेरे लिए उन्होंने किया एक्सक्लूसिव, सो दैट दे कैन गेट मोर मनी आउट ऑफ माई पॉकेट, ठीक है, बिकॉज आई हैव दैट पॉकेट। तो आपने अपने अपना कस्टमर डिफाइन करना होता है, अपना कस्टमर पहले डिफाइन करना होता है कि यार दिस इज माय आइडियल कस्टमर, होल पाकिस्तान इज नॉट योर कस्टमर, आपका आटे में नमक के बराबर कस्टमर है। अगर आपने वो डिफाइन कर लिया और एडवर्टाइजिंग ठीक कर ली, तो आप उसकी जेब से जितने पैसे चाहेंगे जो आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक डिफाइन किए हैं, आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। टारगेट ओरिएंटेड ऑडियंस, 100%। एक बात ये है कि हम यानी विदाउट फिजिकल मार्केट क्या हम ऑनलाइन ब्रांड बना सकते हैं, जैसे यानी एडिडास, नाइकी या इधर लोकल ब्रांड में, जैसे जेड और ऊपर गया। जी 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 जी, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी एक ब्रांड स्टार्ट हो रहा है shoaibakhtar.com, एडिडास के मुकाबले का अरबों रुपए का ब्रांड बनेगा, और आई नो के ये बनेगा, शोएब अख्तर इज अ स्टार ऑलरेडी, ठीक है, वही स्टार्ट कर रहा है, वही स्टार्ट कर रहा है, इट्स अ ग्रेट वेंचर, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये प्रोजेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हमें ना पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट एंड पोटेंशियल ऑफ द ऑडियंस ना ग्लोबली अंडरस्टैंड करनी चाहिए अगर ब्रांड बनना है। चाइना ने क्या किया है, अलीबाबा ने क्या किया है, प्रोडक्ट्स रखिए ना लोगों के सामने। कौन बंदा ये सोच सकता था कि आप अलीबाबा से, आप यहाँ बैठे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं बंदा एक बार जाने का शौक है, मैं कह रहा हूँ चाइना से प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं, दूसरे मुल्क से, आप, मैं मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, मैं सेम कंट्री की बात नहीं कर रहा, दूसरी कंट्री से आप प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, किस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। कितनी बड़ी सेल है आपको पता है, इनके जाइंट्स की बात हो रही है, आप भी कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को पकड़ लें, उस प्रोडक्ट को ले फैलाते 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 दूसरी कंट्रीज के अंदर भी, यू कैन स्टार्ट सेलिंग। इतना समझाइए कि ऑफलाइन जो हम अपने कोशिश करेंगे ब्रांड शोरूम बना के, अगर ऑनलाइन शोरूम बना के हम जो काम करेंगे वो जल्दी ब्रांड बनेगा, ऑब्वियसली क्यों बनेगा, क्योंकि फिगर्स आएंगे, वो तो है, आएंगे, वहाँ पे मिलियन कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, आप सारे कहाँ हैं, हर बंदा कहाँ है, तो इधर जाए ना, इधर क्यों नहीं जा रहे, इधर जाए ना, उसका ध्यान इधर है, उसको इधर से पकड़ लें। पैसे ना दो तरह से बनते हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें भी, और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी है आपकी स्टिल ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या अभी वो यहाँ पे है, पता है लोग पैसे कैसे बनाते हैं, कि यहाँ पे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, यहाँ पे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, पीपल इन्वेस्ट जहाँ पे ऑडियंस जाने वाली है, अभी गई नहीं है, आप यहाँ पर नहीं आ रहे। मैं आपको मनी हाउ पीपल मेक मनी, बड़े पैसे कैसे बनते हैं, लॉन्ग टर्म में बनते हैं ना, शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ राइट नाउ यहाँ स्पेंड कर लें आप, ठीक है, क्योंकि पीपल आर इधर राइट नाउ, बट बिग ब्रांड्स दे आर स्पेंडिंग कि जिधर वो जाने वाले हैं, जिधर वो जाने वाले हैं, यहाँ पे तो कर रहे हैं स्पेंड, दे आर मेकिंग मनी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करके रखी हुई है कि अच्छा नेक्स्ट ऑडियंस का शिफ्ट जो है ना वो इन डिवाइसेस पे, इन साइट्स पे, इधर उधर आने वाला है, इधर पहले ही अपनी वर्चुअल प्रेजेंस बिल्ड कर लो, आप अपनी यूज पे नहीं बिल्ड कर, पैसे बनाने हैं ना, एकदम पकड़ लें, इकट्ठे टाइम पे पकड़ लें, इकट्ठा फेंके माल सामान लगाए रखें, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, पीपल विल कीप ऑन लिसनिंग। हम लोग ना इन्फ्लुएंसर्स को भी शेयर करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मेरा, अगर मैं अगर एक ही बंदे को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को नहीं फॉलो कर रहा, एक दफा उससे वो प्रोडक्ट देखी, दूसरी दफा उससे वो प्रोडक्ट देखी, इन्फ्लुएंस बहुत हाई होता है ना, वो देखता है कि यार ये इन्होंने भी कहा था, इसने भी कहा, सारे कह रहे हैं, ब्रांड बन गया, ब्रांड बन गया, सारे कह रहे हैं, मार्केट में बात बनी हुई है, ठीक है, ब्रांड कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सही है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स तो आपके फोकस में होने चाहिए। अब मीडिया बाइंग
उसके लिए हमें कौन सा बंदा रखना है या कैसे करना है? यार मैंने एक बड़ा काम है उसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी, अब मैंने आपको एक भी कर रहा हूं, मेरा शूट करवाया ये हफ्ता पहले शूट हुआ है, 10 डिजाइन है, 16 डिजाइन है मेरे, अब मैं उसको इस दफा उसको मैंने बुक नहीं बनवाई है, कैटलॉग कैटलॉग प्रिंट नहीं करवाई मैंने, कि यानी इसको मैं इस दफा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कैटलॉग बनाएं उसकी, ऑनलाइन कैटलॉग, हाँ हाँ बेहतरीन, वो फेसबुक आपको अलाउ करता है। मुझे किस तरह का बंदा हायर करना है और क्या उसके लिए ना, मैं तो खुद नहीं, जैसे कि आपने कहा देखें आप चार, एक दो तीन चार पांच लोग बैठे हैं आप, मैंने आपको जिम में एक बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लर्न किया ये लेसन हार्ड वे में किया है, तो इसको साथ लेके चलना है जिंदगी में। आप में से किसी को सबसे पहले ये काम ना खुद सीखना पड़ेगा अगर आप इसको करना चाहते हैं, ये आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को किसी को ना, अपने बेटे को किसी को पकड़ के ना उसको लगा लें, फिर आप 50 बंदे आपको मैं दे दूंगा, 50 बंदे आप ले हायर कर लीजिएगा। ये ना बहुत सेंसिटिव काम है, अगर किसी को पता ना हुआ कि इस ये काम कैसे होना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं ठीक हो पाएगी और आपका जो जो ज्यादा लोगों का जिनका नहीं जिनका हाँ जिनका नहीं कर रहा इसीलिए जिनका नहीं चलता ना, कहाँ गलत कर आप यकीन करें चलता क्यों नहीं है, इसको अब इस साइड पे आ जाते हैं हम, चलता क्यों नहीं है, आखिर ना चल नहीं चलता, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों से नहीं चलता। एक तो इसने एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलना होता है, ठीक है, और इसने उसी धुन में चलना होता है। हम क्या करते हैं, जितने यहाँ पे लोग फेल हुए हैं ना सो फार, वो इस तरह से फेल हुए हैं क्योंकि मेरे पास ना केस स्टडीज आती रहती हैं राइट लेफ्ट से, वो इस तरह फेल होते हैं, इसमें ने फोकस कर लिया और मैं यार लाया 50,000 रुपया कुछ भी नहीं होया, ऐसे इस तरह क्या क्या आप फिजिकल मार्केट में 50,000 लगा के काम करते हैं, आप लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, चले या ना चले, चले या ना चले, चले या ना चले, तो उधर भी आपने जब वर्चुअल प्रेजेंस बनानी है, वर्चुअल प्रेजेंस कोई और प्रेजेंस नहीं है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ही वर्चुअल प्रेजेंस है। जो शॉप आपने ऑनलाइन बनानी है ना वो उतनी उस तरह ही चलनी है, यहाँ वो भी शॉप है, ठीक है। अब मेरे पास एक ये मसला होता है इसके अंदर, दूसरा मसला ये होता है कि बहुत जल्द ना टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से ना मल्टीपल चीज़ें सोच लेते हैं, एक तरफ फोकस हटा के ना कहते हैं मैं ना मार्केट प्लेस बना रहा हूँ। मार्केट प्लेस में बात यह है, एक शॉप वाला बंदा, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप्स है, आप कैसे मार्केट प्लेस बना, मार्केट प्लेस का मतलब है मंडी, आप कैसे लोकल मार्केट में प्लाजा खोल सकते हैं या मंडी खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते ना, तो आप ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सम हाउ उतनी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, उसको चलाने के लिए उतने पैसे चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। तो लोग कहते हैं मैं अब मंडी से भी आगे निकल जाते हैं कि मैं दराज बनाऊंगा, अब दराज इज अ मार्केट प्लेस जिसके ऊपर वेंडर्स कंपनीज काम कर रहे हैं, आप दराज नहीं बना सकते, दराज के पीछे पहले नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का फिगर आउट तो करो कितनी है, वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपने कैसे बनाना है मार्केट प्लेस, तो पीछे हजारों वेंडर्स हैं। एग्जैक्टली, वो सारे वेंडर्स मिला के एक वो हाँ, तो आप तो एक वेंडर हैं। अब ये मसला आता है, फिर ये मसला आता है कि मैंने अपनी पोस्ट बूस्ट कर ली थी, मैंने ये कर लिया था, नहीं आया ऑर्डर, फलाना कर लिया था, ये तो कंसिस्टेंटली कैसे होना है? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होना है कि आपने अपना एक विनिंग फार्मूला बनाना है। विनिंग फार्मूला क्या है कि आपका एक फनल एग्जिस्ट करता हो, आप 1 रुपया डालें 1.5 रुपये निकाल लें, ये कैसे बनेगा? इसको बनते हुए ना ट्रायल एंड टेस्ट, AB टेस्टिंग होनी है, मल्टीपल चीज़ें, ऑडियंस आपने उसको ऐड भेजा, राइट ऑडियंस नहीं थी, ऑडियंस फिक्स कर ली है, मल्टीपल ऐड कैंपेन चलाई, 6 ऐड चलाए थे, इनमें से 3 चल रहे हैं, दो ने नुकसान किया, ये बंद कर दो, ये वाले पैसे उठाओ, इनमें ड्रॉप करो, AB टेस्टिंग, फिर आपके पास एवेंचुअली एक फॉर्मूला आ जाएगा, उस फॉर्मूले में आप रात को सोएं 1 रुपया फेंगे, अगले उठें 1.5 रुपया ले लें, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पे बहुत हाँ, अब ये सारा काम करने के लिए एक बंदा जो है ना आपका अपना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल खराब करे लेकिन एक्सपीरियंस तो आपका हो ना, वरना कोई और सीखता जाएगा आपको, आप उसको निकाल देंगे एवेंचुअली, तो खराब होना है, ये होना ही होना है। बिल्कुल हाँ, उसने पकड़ लेनी, आप वहीं खड़े हैं, मुझे पता है हाँ, इसलिए मैंने पहले उधर से बात स्टार्ट की, पहले आपको बिलीव की तरफ लेके आया हूँ कि ये सारा रियलिटी, अब मैं अपना ये आपको जरूरी है, मैंने ये मेरे पास पहले दिन आए थे, मैंने इन्होंने मेरे से मशवरा मांगा, मैंने कहा यार आपको मैंने कहा अपना देखें फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, ये सेकेंडरी है क्वेश्चन, पहले बंदा बना देखें कौन सा है आपका, पहले बंदा देखें, ये तो कहीं से भी तैयार हो जाएगा, वो ये कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसा स्केल नहीं है, ये दुनिया में छुपा हुआ स्केल है, तो जिसको छुपा हुआ स्केल नहीं है, जिसको शौक हो हाँ,
ये जो पीछे बैठे हुए ना, देखें एक ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं सर्टन, मेरी कैंपेन्स का मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता कि पैसे आते कहाँ से, जाते कैसे, क्या कर रहे हैं, वो तो नहीं मैं दूंगा ना किसी को जिसके ऊपर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर 50-60 हज़ार डॉलर लगाया है तो मैं अपनी कैंपेन उठा के तो किसी को नहीं दूंगा। एक वही तो इन्वेस्टमेंट है जिसको मैंने, वही तो है, वही तो है, वही मैं फॉर्मूला उठा के आप एज अ ब्रांड, आप 200 रुपए ब्रांड बन जाते हैं आप इस अपना अपने इतने इन्वेस्टमेंट का, इतने कॉस्ट ट्रबल का, ये कुछ देंगे किसको? नहीं देंगे, ये तो ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं देंगे। बाकी मैं तो खुद बैठा हूँ देने लिए, रेसिपी है ना, हाँ तो वो नहीं कोई देता तो, लेकिन बंदा आपका अपना होना चाहिए ताकि रेसिपी ना लेके चल जाए बाद में। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो वो अपने घर का कोई बंदा ढूंढे, मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग, हाँ तो बंदा सबर करना पड़ेगा यार। लोकल जैसे लोकल मार्केट में हम फेंकते हैं आता है, ऐसे लोकल मार्केट में भी देखें उसमें भी आपको बड़ा सबर करना पहले किया हुआ है ना, हम जा रहे हैं लोकल मार्केट में, देखें मैंने आपको कहा अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने हो तो ज्यादा सबर करना पड़ता है, थोड़े कमाने हो तो कम सबर करना पड़ता है। जैसे ही आपने इन्होंने भी बात की थी कि प्लाजा एक चलते प्लाजे में दुकान लेंगे, उसमें आपको बचेगा तो सही लेकिन उतना नहीं बचेगा। आप किसी नए प्लाजे में जाएंगे, वहाँ पे शॉप्स नहीं है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो टाइम लगाएंगे आप उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म है, बड़ा रिटर्न होगा। इसी तरह ऑनलाइन में ये सेम, फिर ऑनलाइन सारा का सारा मॉडल ना, हमें ये बात ना इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, जो आपका असल था ना वही है आपका ऑनलाइन। फेसबुक क्या है अगर अभी राइट नाउ यू गाइस आर फॉलोइंग मी, हम एक दूसरे को फॉलो कर, सॉरी सोशल कर रहे हैं ना, तो सोशल नेटवर्क है। इफ़ यू गोइंग टू लाइक मी यू गोइंग टू से यस, इफ़ यू गोइंग टू हेट मी यू गोइंग टू से नो। अगर आप कमेंट, अगर आप मुझे, अगर मैं आपको अच्छा लगूंगा आप मेरे बात करेंगे, अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा आप मेरे बात नहीं करेंगे, सही है। तो वो ये कोई वो कोई फेसबुक कोई नई कोई चीज़ नहीं है, जो रियलिटी थी उसको ही वर्चुअल रियलिटी कर दिया गया है, सिर्फ उसका मीडियम चेंज किया गया। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए सच पे, राइट इंफॉर्मेशन पे, रियलिटी यानी डिस्कस हो वहां पे। उधर बेचने की बात नहीं, जब आपने कोई चीज मिसगाइड या मिसलीड तो तब करें ना, जब आपने कुछ बेचना हो ना बेचे, क्यों बेचना है, आपने सिर्फ अथॉरिटी बनना है, ब्रांड बनना है, तो ऐसी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं आपने हमेशा ही, हमेशा अवेयरनेस, आपका काम ही अवेयरनेस का है, ठीक है, कंसिस्टेंट अवेयरनेस, मुसलसल अवेयरनेस। फैशन में कपड़े पे डिस्कस शुरू कर दें, हाँ ये आपके पास आइडिया नहीं खत्म होने, एम्ब्रॉयडरी पे डिस्कशन शुरू, आइडियाज खत्म नहीं होने आपके पास, आपने आप समझ रहे बात, स्प्रेड करें आहिस्ता, लेकिन ऑर्गेनिकली विद स्ट्रेंथ, ये नहीं कि कच्चा पका, वो तो अटैच हो जाते हैं, हो जाएगी लोग ये नहीं कि बैंड में करेंगे अटैच, हाँ हमने ये प्रॉब्लम पूछेंगे कि हमने ये ग्रीन वाला लिया इसके साथ कौन सा जाएगा, अच्छा सोल्यूशन दे, उनके सोल्यूशन दे, ऑडियंस बन जाएगी हमारी सारी, आपकी ओरिजिनल ऑडियंस बनेगी। आप लाइव हुआ करेंगे ना, आपके साथ 3000 बंदा लाइव हुआ करेगा, वो सारे हमारे रिलेटेड लोग ही होंगे, सारे आपकी एग्जैक्टली जो वो एक जैगल के नाम, आप कह रहे हैं ना मेरा लॉयल कस्टमर, आप कह रहे हैं ना मेरी कम्युनिटी और मेरा लॉयल कस्टमर, ये है आपकी कम्युनिटी, ये है आपका लॉयल कस्टमर। इंटरनेट पर क्या है, मैं आपको ना कॉन्टेंट की ना किसी भी प्लेटफॉर्म की ना एक ही स्ट्रेटेजी दे देता हूँ। जब आप अपनी नीच डिफाइन करते हैं ना, नीच समझते हैं एग्जैक्टली, पता आपको नीच का, नीच जो आपकी जगह है जिसमें मतलब आपकी प्रोडक्ट जो मतलब, नीच बहुत ब्रीक वर्ड है, हाँ जी। एक ना फॉर्मूला है और यही असल फॉर्मूला है, रिचेज आर इन द नीचेज। एक है मेडिकल साइंस, एक है जनरल फिजिशियन डॉक्टर, एक है हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन जो है ना उसकी वैल्यू किसी भी जनरल फिजिशियन से ज़्यादा है, क्योंकि उसका कस्टमर, उसका काम सिर्फ हार्ट से ताल्लुक है, हर बंदा हार्ट के लिए जाएगा और वो उस पर ही काम करता रहेगा, उस पर ही ट्रेन होता रहेगा, उस पर प्रैक्टिस करता रहेगा, उस पर ही बढ़ा होता रहेगा। ये होती नीश कि आप किस एक चीज़ पे काम करना चाहते हैं और उस चीज़ के ऊपर काम, क्योंकि उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, मखसूस एरिया दुनिया ना, आपको ना पता है हमें लगता क्या है, हमें ऐसा लगता है इंटरनेट को अंडरस्टैंड करना है और साथ में ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है और बिजनेस को अंडरस्टैंड, हमें लगता है बिजनेसेस तब मार खाते हैं जब वो हर कस्टमर को अपनी ऑडियंस समझते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस। जितनी आपकी बहुत प्रिसाइज ऑडियंस है, आपकी प्रोडक्ट प्रिसाइज होगी, आपकी ऑडियंस भी प्रिसाइज होगी, आप कम्पीट कर रहे होंगे एक चीज़ के अंदर, अगर आप उसके अंदर स्पेशलाइज कर गए तो देन देर इज नो बडी। कितने हार्ट सर्जन पाकिस्तान में, जनरल सर्जन बड़े हैं, कितने हैं, नाम ले लेंगे लोग कहते हैं देखो चल जाओ, अच्छा देखो चल जाओ किडनी का मसला फलाने देखो चल जाओ, वो आपने हार्ट सर्जन वो किडनी का डॉक्टर बनना है अपने बिजनेस के अंदर, एक्सपर्टीज इन वन नीश, वो पैसे हैं, वो लॉयल ऑडियंस है वहाँ पे,
वो हमेशा आपकी वो खानदानों को कहेगी कि मेरे बेगो बचाया उसने भाई, और उसके पैसे क्या होते हैं, ये बात है। और वो इसलिए कामयाब है, वो बना इस पे है। अब आप हासिल कर लें, जब आप जब आपकी जब आपका प्रोसेस, आपका बिजनेस, आपका गोदाम, आपके पैसे, आपकी मनी, आपका रिटर्न सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, आप 10 और उस तरह के स्टार्ट करें। लेकिन पहले आप एक चीज़ को कंप्लीट करें, पॉइंट ए टू पॉइंट जी स्ट्रीमलाइन कर दें, ऑटोमेट कर दें। ये ज़माना है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन से मुराद ये है कि आप सोए हो, बिजनेस चल रहा हो और हर प्रोसेस डिफाइन हुआ हो, हर जगह इतो चीज़ निकलनी, इतनी जानी, इतो निकलनी, इतनी जानी, इतो निकलनी, फिल्टर हो गया, बस आपको पता है इस तरह सेम आप होना वो एक दफ़ा आप सारे आप तो 6 लोग हैं माशाल्लाह, एक दफ़ा मिल गए वो सारा प्रोसेस, अपनी अपनी डोमेन डिसाइड करके वो पूरा प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन कर लें और एक प्रोडक्ट पे खास प्रोसाइज करके अपनी एडवर्टाइजिंग पे फोकस करें। और उसके बाद जो सा ना ये जो मॉडल बन जाएगा आपका, यार 10 जगह बनाएं, 10 डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, 10 डिफरेंट नीश के लिए बनाएं, 100 इन्वेस्टर को लेके आए, बिकॉज यू हैव दिस नॉलेज ऑफ बिल्डिंग ब्रांड्स। जब आप अपनी वैल्यू नहीं ना अंडरस्टैंड करते तो दुनिया में कोई नहीं करता। इकबाल ने इसी को खुद ही कहा था, इसी को खुद ही कहा था, एग्जैक्टली यही वो खुद ही है। तो वो अपने अपने काम के अंदर आप इस तरह से कर लें, इंटरनेट को आप इन प्लेस करें, इसकी इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी डे वन से बनाना शुरू कर दें और इसको ना फोकस करें थोड़ा सा। ये साथ साथ नहीं चलता रहेगा, इस माइंडसेट से नहीं आप लोगों ने मूव करना कि ये साथ साथ चलता रहेगा, फिजिकल के साथ साथ चलो ये भी चलता है तो रहेगा ही नहीं, दैट्स रॉन्ग। फिजिकल को साथ यार वो तो आप पहले भी, आप लोग माहिर लोग हैं, वो तो पहले भी कर रहे थे। आप ना इसके फिक्स आवर्स डिसाइड करें मीटिंग के ना अपने, कि जी हफ्ते में 2 दिन हम सिर्फ ऑनलाइन को डिस्कस करेंगे या 1 दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो दिन नहीं हटेगा, उस दिन कोई दूसरी डिस्कशन नहीं होगी। वरना आप लोग ऐसे करते रहेंगे, ऑनलाइन डिस्कस करने के वो फलाना आ गया, वो दी पेमेंट रहती है, अच्छा पाए उन्होंने उत्थल देना, ये ही होता रहेगा। ठीक है, इसको करना है तो आप एक सैटरडे डिसाइड कर लें, संडे डिसाइड कर लें, मंडे ट्यूजडे वेनसडे, जिस दिन के जी ये 4 घंटे हमारी बात सिर्फ इस पर होगी। एक दो दफ़ा पेपर डॉक्यूमेंट करते रहेंगे, उसमें चीज़ें निकलती रहेंगी, खुलती रहेंगी, अगली दफ़ा और बेहतर होती रहेंगी, एक प्लान आ जाएगा आपके पास। प्लान आप फेल कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि प्लान फेल हो गया, अच्छा ये क्यों फेल हो गया ये पता लग जाएगा, फिर नवा प्लान बन जाएगा। तो वो डू दैट, कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन डूइंग दैट, फिर बनेगा ना ये। 0304 111 5786 done kash.com